ऑलराइट, तो मैं प्लेटफॉर्म तो पहुंच गया हूं, बट अभी मेरा ट्रेन आने में काफी टाइम है और मैं पहले इसलिए निकल गया क्योंकि अभी होली था तो रोड में कैब वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। देखते हैं मेरा ट्रेन कब तक आता है। वैसे 4:50 का टाइम है हावड़ा स्टेशन से, फिर ट्रेन वगैरह जब आता है तभी मैं आप लोग को अंदर जाके सब कुछ बताता हूँ। ओके, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे तो अभी पहुंच गया हूँ, बट यहाँ पे अभी सरायघाट एक्सप्रेस लगा हुआ है जो कि गुवाहाटी जाएगा। तो गुवाहाटी वालों, मैं ढेर सारा प्यार और होली की शुभकामनाएं भेज रहा हूँ इस ट्रेन के साथ। फाइनली जैसे तैसे कैसे करके मुझे आज ये कूपे मिल गया है, ये देख लो। मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो अगर ऊपर वाला पैसेंजर नहीं आता है तो सिंपली ये मेरे एक कमरे जैसा है। तो ये नीचे वाला मेरा सीट और ऊपर भी एक सीट है, और इसका मैं देख रहा हूँ ब्लैंकेट, देखो यार इसका ब्लैंकेट तो उससे भी काफी अलग है। मतलब ये काफी अलग है, यहाँ पे दो पिलो और पिलो में इस बार ऊपर में कुछ अलग ही सा एकदम कवर चढ़ा हुआ है। पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अब पता नहीं ऊपर वाला पैसेंजर कहाँ से बोर्ड करेगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन नीचे वाला सीट जो है मेरा है। और साफ सफाई के मामले में तो भैया ये जो कूपे है एक नंबर यार, काफी क्लीन है। और जैसे ही मैं अंदर आया ना, काफी अच्छा एक फ्रेग्रेंस आया। और इस बेल के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, इसको क्लिक करोगे तो कोई एक आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी अगर करवाना हो, लाइक चाय कॉफी कुछ भी क्लीनिंग वगैरह करवाना हो, तो इस बेल को दबाओ आ जाएगा। फिलहाल ये चीज काफी अच्छा लगा, यहाँ पे बॉटल होल्डर टाइप का बना हुआ है और बाकी यहाँ पे ये रीडिंग लाइट सही है। और अगर आपको इस सीढ़ी में चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ये देखो, तो आपको अगर सेपरेट लेडर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ के अटेंडेंट को बुला सकते हो, जैसा कि मैंने कहा उस स्विच को दबाकर कॉरिडोर जहाँ पे आप फर्स्ट क्लास एकदम खा पी कर टहल सकते हो। तो फिलहाल मैं आप लोग को अभी इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। फिलहाल ट्रेन स्टेशन में रुका हुआ है तो अभी मैं इसका यूज नहीं कर सकता। ये यहाँ पे टैप, ये डस्टबिन और ये शावर रूम है। तो अब थोड़ा बहुत मैं इस ट्रेन के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो मैं यूजुअली देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचा थोड़ा बहुत तो दे ही देना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है। बाय द वे, जिस राजधानी में मैं आज ट्रेवल कर रहा हूँ, हावड़ा टू न्यू दिल्ली, मैं बता दूं आप लोगों को, ये सबसे पहला राजधानी था। जितना भी राजधानी निकला है ना, सब इसके बाद ही निकला है। आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि सबसे पुराना राजधानी यही है, मतलब हावड़ा टू न्यू दिल्ली वाला। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अब अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट क्लास के फेयर का, तो मैं बता दूं इस कूपे के लिए मैंने कितना पे करा है। वैसे कूपे इन केबिन के लिए आपको सेमी पे करना पड़ता है, वो आपका लक अगर अच्छा है तो आपको कूपे में मिल जाता है, अदरवाइज आपको केबिन में मिलता है, जैसा कि लास्ट टाइम मुझे मिला था जो मैं गया से सियालदह आया था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखो, उसी वीडियो में तो आप में से काफी लोगों का कमेंट था कि मोहित यार फुल जर्नी करते तो मजा आता, फुल जर्नी करते तो मजा आता। तो लो भाई, आपका भाई निकल पड़ा है फुल जर्नी करने के लिए हावड़ा टू न्यू दिल्ली। अब अगर मैं बात करूं इसके फेयर का, मतलब इस कूपे के फेयर का, राजधानी के फर्स्ट क्लास के फेयर का, तो इसके लिए मैंने पे करा है 4,920 रुपीज, आप समझ लो 5,000 के लगभग, मतलब 5,000 के लगभग मैंने इसका टिकट लिया है। और मैं बता दूं, अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो दिल्ली का फ्लाइट का जो फेयर है वो 3,500-4,000 के आसपास है, बट ट्रेन से मैंने लिया है इसको ऑलमोस्ट 5,000 रुपए में। तो अब जैसे ही मेरा ट्रेन स्टार्ट होता है तो मैं आप लोग को अपडेट देता हूं और क्या क्या मुझे खाने को मिलता है जिसके लिए मैं स्पेशली इस ट्रेन में आया हूं। तो वो जब आता है तो मैं आप लोग को तो 100% ही दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अपना अभी ट्रैक पैंट पहन लेता हूं क्योंकि जींस पहन के रखा हुआ हूं, काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है भाई, इतना कोजी सा एक कमरा जैसा है तो भाई इसमें तो भाई कंफर्ट तो बनता ही है। तो फटाफट मैं चेंज कर लेता हूं। ओके, और एक चीज मैंने अभी नोटिस किया, इससे पहले जो मैं सियालदह वाले राजधानी में था वहां पे ऐसा स्पीकर अंदर में नहीं लगा हुआ था। अनाउंसमेंट हो रहा है कुछ, लाइक हमने सामान वगैरह का ध्यान रखे, इसी टाइप का काफी कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। ट्रेन 4:50 में खुलने का टाइम था और 4:50 हो चुका है, अभी तक खुला नहीं है ट्रेन। और बात करते करते ये देखो ट्रेन भी खुल गया। तो ये देख लो, ये है राजधानी के फर्स्ट क्लास का वॉशरूम, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम सियालदह वाले राजधानी का भी दिखाया था, सेम ही है। मैं बता दूं जो सियालदह वाला राजधानी था उसका वॉशरूम इससे ज्यादा अच्छा था, वहाँ पे एक ये लाइट वगैरह लगा हुआ था, यहाँ पे तो एक सिंपल सा लाइट लगा हुआ है और ये टैप। बाकी मुझे यहाँ पे नॉर्मल फ्लश दिख रहा है, वो वैक्यूम फ्लश नहीं दिख रहा है। तो इसका वॉशरूम मैं बोलूंगा मतलब ओके ओके सा है, मतलब साफ सफाई उतना भी नहीं है जितना कि उस सियालदह वाले राजधानी में था। बट इनके वॉशरूम में मुझे एक चीज काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे देखो मोबाइल होल्डर एक बना हुआ है, अगर आप सेफ वगैरह करते हो तो यहाँ पे एक सेवर पॉइंट बना हुआ है। बस यही है हावड़ा टू दिल्ली राजधानी के फर्स्ट क्लास का वॉशरूम, देख लो
और ये इनका शावर एरिया है, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये ट्रेन खुलते ही सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पानी का बोतल एक मिल चुका है, रेल नीर वाला। काफी कमाल का फ्रेम है ये देखो। तो अभी ट्रेन खुले हुए 15 मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ पे हम लोग को वेलकम ड्रिंक के नाम पे मिला है तड़का छाछ और साथ में ये वाइप एंड हैंड सैनिटाइजर। फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग को यही मिला है, पानी और ये छाछ। अब इसके बाद भी जो आएगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तब तक आप लोग बाहर के कुछ नज़ारे इंजॉय करो। तो ये लग चुका है हम लोगों का टेबल, तो इसमें आएगा हम लोगों का स्नैक्स। तो ये आ गया है हम लोगों का शाम का स्नैक्स, ये है चाय और हमेशा की तरह चाय सामग्री। काफी बार मैं इन सब चीजों को दिखा चुका हूँ, ये रोस्टेड आलमंड मफिन, एक कचौड़ी और ये फ्लास्क में गर्म पानी चाय बनाने के लिए। फिलहाल ट्रेन भी एकदम फर्स्ट क्लास चले जा रहा है। अब मैं इन सबको तो मैं काफी बार ही टेस्ट करके बता चुका हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वापस से बताकर कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल मैं इसको इंजॉय करता हूँ और इसके बाद कुछ भी होता है तो मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। देखता हूँ ये कचौड़ी कैसा है। बहुत ही सही टेस्ट कर रहा है, एकदम फ्रेश है और इसके अंदर जो स्टफिंग है ना, ये पता नहीं किस चीज का स्टफिंग है, इसके वजह से और भी अच्छा ये टेस्ट कर रहा है। अब देखता हूँ इस बार मैंने अपना चाय कैसा बनाया है, हर बार मैं चाय काफी गड़बड़ बनाता हूँ। नहीं, इस बार अच्छा बना है क्योंकि इस बार मैंने पानी काफी कम डाला था। हर बार मैं क्या करता हूँ ना, पानी कुछ ज्यादा ही डाल देता हूँ इसलिए चाय मेरा काफी गड़बड़ बन जाता है, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ एकदम सही तरीके से डाला इसलिए एकदम परफेक्ट बना है। फिलहाल मैं इन सबको जल्दी खत्म करता हूँ और उसके बाद जो भी आता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी नोटिस किया कि हैंड सैनिटाइजर स्नैक्स के साथ भी आया हुआ है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो फर्स्ट क्लास मैंने अपना स्नैक्स अभी कंप्लीट कर लिया है और अभी आए थे मुझे पूछने के लिए कि आपको रात में डिनर में क्या चाहिए और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। तो डिनर में मैं बता दूं, इंडियन वेज नॉन वेज का ऑप्शन था और एक कॉन्टिनेंटल का भी ऑप्शन था, तो मैंने चूज किया कॉन्टिनेंटल जिसमें मैक्रोनी और वही वेजेस वगैरह रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया था वो इंडियन किया था, तो सोचा इस बार मैं आप लोग को कॉन्टिनेंटल दिखा दूं कि कॉन्टिनेंटल में क्या क्या मिलता है और टेस्ट कैसा है सबसे बड़ी बात। फिर वो जब आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बट उससे पहले मेरे को लगता है शायद सूप आना चाहिए। अब आएगा तो जरूर दिखाऊंगा जो भी होगा। फिलहाल अब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, बस नजारे को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, खाते पीते फर्स्ट क्लास एकदम। नेक्स्ट तो काफी अच्छा था, तो डिनर को लेकर एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गया है मेरा। तो ये रहा हैंडटाल। वैसे मैं बता दूं फर्स्ट क्लास के हिसाब से काफी लोगों को ये जो सीट है काफी छोटा लग रहा होगा, बट कोई नहीं, आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो। लाइक इसको हटाओ और ये हो गया आपका सीट बड़ा, ये देख लो हो गया ना फर्स्ट क्लास एकदम बेड। फिलहाल अभी इसका जरूरत है नहीं, तो इसको भी भाई काफी बड़ी है ये। फिलहाल अभी इसको ऐसे करके रखते है, रात के सोते समय इसको गिरा लूंगा नीचे। और ये देखते देखते हम लोग आसनसोल भी पहुंच गए। बीच में कहीं नहीं रुका ये ट्रेन, डायरेक्ट हावड़ा से खुल के ये आसनसोल ही रुका नहीं है, मतलब रुकेगा। तो यहाँ मैं झारखंड एंटर कर चुका हूँ और ट्रेन भी एकदम फर्स्ट क्लास चले जा रहा है। बाहर काफी डार्क है इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल तो भाई अकेले बैठ के बस बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, अब कुछ खाने को भी आ नहीं रहा है जो मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो जो भी कुछ खाने वगैरह का आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखते देखते हम लोग धनबाद जंक्शन भी पहुंच गए और यहाँ पे हम लोग का सूप भी आ चुका है। टोमेटो सूप, राइट? टोमेटो सूप, हाँ ओके। थैंक यू। तो अभी जो हम लोग का ट्रेन रुका हुआ है धनबाद जंक्शन में और ये आ गया है हम लोग का टोमेटो सूप एंड इसके साथ में ये ब्रेड स्टिक, एक बटर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये वापस से एक हैंड सैनिटाइजर। मतलब मैंने अभी तक एक चीज नोटिस किया है कि हर खाने के साथ ही सैनिटाइजर आ ही रहा है। तो अब मैं जल्दी से इससे टोमेटो सूप को करता हूँ टेस्ट और बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे राजधानी का सूप। इसको टेस्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देता हूँ। देखकर तो काफी गाढ़ा सूप लग रहा है वैसे, और ये साथ में ब्रेड स्टिक। तो अब जल्दी से मैं इस टोमेटो सूप को करता हूँ टेस्ट। वाह, मतलब रेलवे में मुझे इतना अच्छा सूप मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। लास्ट टाइम मुझे अच्छा सूप मिला था वंदे भारत एक्सप्रेस में, ट्रेन 18 में। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लो, मैं ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो कुछ स्वीट कॉर्न सूप था, वो मुझे काफी अच्छा लगा था और अभी मुझे मिला है टोमेटो सूप। मतलब रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा सूप नहीं मिलता है मुझे। सही है यार,
बाकी ये ब्रेड स्टिक बटर के साथ। ये नहीं भी रहता तो चलता, सूप इतना अच्छा है कि किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल कमाल का सूप है ये। अब इसके बाद डिनर आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फिलहाल धनबाद जंक्शन से हम लोग का ट्रेन खुल चुका है, ये देखो। तो अंदर मुझे काफी ठंड लगने लगा तो मैंने वापस से जैकेट डाल लिया है, और अभी डिनर आया नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे देखो अपना बेड लगा लिया है, क्योंकि यार अकेले बैठे बैठे काफी बोर हो रहा हूँ। फिलहाल देख लो बस यही है, इस छोटे से कमरे में मैं चक्कर मारे जा रहा हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 8:45 और ये आ गया मेरा कॉन्टिनेंटल डिनर। वेट में दिखाता हूँ क्या क्या आया है। और यहाँ पे आपको ये ब्रेड दिख रहा होगा, साथ में ये बटर, अमूल बटर, और ये वही केचप, और साथ में ये कटलरी, और ये वापस से हैंड सैनिटाइजर, साथ में ये सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब दिखाता हूँ कि डिनर में क्या क्या है, इसको हटा दो पहले। मतलब ये चीज मुझे ट्रेन में मिलेगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये मैक्रोनी पास्ता, साथ में ये चिली पनीर, और ये कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो ये होने वाला है मेरा आज का डिनर। सब कुछ तो ठीक है, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इस ब्रेड को मैं कैसे खाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ इस ब्रेड में ये बटर लगाकर, केचप लगाकर, ये कुछ वेजेस वगैरह डालकर एक सैंडविच बना लूंगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यही करके खा लूंगा। फिलहाल मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे इनका कॉन्टिनेंटल डिनर। सबसे पहले जरूरी काम, सैनिटाइजर। तो अब जल्दी से करता हूँ इस पास्ता को टेस्ट और बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे इनका पास्ता। वैसे चिल्ली पनीर तो काफी चटपटा लग रहा है। मतलब जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है ना, उससे कई ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। अब देखता हूँ मैं इस चिल्ली पनीर को, थोड़ा सा पनीर। पनीर इनका वाकई काफी सॉफ्ट है, और जो इसका ग्रेवी है ना, बहुत ही टैंगी लग रहा है। आपको देखकर भी पता चल रहा होगा काफी टैंगी है। अगर मैं इस ग्रेवी को इस पास्ता के साथ मिक्स करके खाऊं ना, अब तो इसके टेस्ट में और भी चार चांद लग गया। कमाल है यार। देखता हूँ ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स को। इस बॉइल्ड वेजिटेबल को इस ब्रेड के अंदर डाल के एक सैंडविच बनाने का कोशिश करता हूँ, खूब की अच्छा बन जाए। फिलहाल मैं इसको खत्म करता हूँ और सैंडविच बना के भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देख लो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपना सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है। अब डाल देता हूँ इसमें थोड़ा सा केचप, इतना काफी है। थोड़ा ब्लैक पेपर, नमक थोड़ा सा। अब डाल देता हूँ इसके ऊपर पनीर का ग्रेवी, थोड़ा सा ये बॉइल्ड वेजिटेबल सब डाल देता हूँ इसके ऊपर, इतना काफी रहेगा। अब इसको ढक देता हूँ इसके ऊपर से। तो ये मेरा सैंडविच बन के हो गया रेडी। देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। नॉट बैड यार, काफी अच्छा लग रहा है। बस मैंने केचप थोड़ा ज्यादा डाल दिया, क्योंकि उस चिली पनीर के ग्रेवी के वजह से काफी एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है, और मैंने केचप ज्यादा डाल दिया तो कुछ ज्यादा ही मतलब एक मीठा मीठा टाइप का फ्लेवर आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास मैंने अपना डिनर कर लिया है कम्प्लीट, और एक बात तो बोलना पड़ेगा, काफी टेस्टी डिनर था ये। अब देखता हूँ कि डेजर्ट में क्या आता है, जो भी आएगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा सोने के लिए। तो ये आ गया मेरा डेजर्ट में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये देख लो। तो अब इसको मैं जाता हूँ इंजॉय करने के लिए। फिलहाल अब मैं इसको बंद करूंगा, लाइट ऑफ करूंगा और सोने जाऊंगा, और अगर बीच में कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्लास में डिनर वगैरह कंप्लीट करके आ गया हूँ अपने सीट पे सोने के लिए। और एक बात तो बोलना पड़ेगा, राजधानी का जो सीट है ना, वाकई में काफी कंफर्टेबल है। मैं तो बोल सकता हूँ फर्स्ट क्लास मुझे नींद आने वाला है। तो अब मैं एक ही बार इस वीडियो को नेक्स्ट मॉर्निंग से कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, तो रात में तो नींद एकदम फर्स्ट क्लास आया। मैं इस गेट को एकदम लॉक करके एकदम सो गया था, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया। तो अभी बजा है सुबह का 6:30, और अभी आया है मेरा यहाँ पे, ये देख लो चाय। तो इस चाय के लिए उन लोगों ने नॉक किया, अदरवाइज रात भर कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया। मैं फर्स्ट क्लास एकदम आराम से सो रहा था, और ऊपर वाला कोई पैसेंजर भी नहीं आया। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर चाय वगैरह पी कर जो भी आप लोग को अपडेट होता है वो मैं देता हूँ। अब मैं इसको बना के पीता हूँ, के बाद जब ब्रेकफास्ट आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये चाय पीने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही हिंदी न्यूज़पेपर भी आ गया है।
बाय द वे आज होली है, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। आज शायद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी फेस्टिवल में, मतलब होली जैसे फेस्टिवल में मैं अपने घर पे नहीं हूँ। खैर कोई नहीं, आप लोग अच्छे से होली खेलो, सेफ होली खेलो, यही मैं कहूँगा। फिलहाल अब जब मेरा ब्रेकफास्ट आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग का 8:15 और ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, और अभी और भी कुछ आना बाकी है। फिलहाल यहाँ पे एक कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, चाय सामग्री, एक केला और ये चाय का कप, और इसमें बनेगा कॉर्नफ्लेक्स, और बाकी कटलेट मिल्क वगैरह भी आना बाकी है, तो जब वो आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आ गया है मेरा गर्मा गर्म दूध, अब इसके अंदर मैं डालता हूँ अपना कॉर्नफ्लेक्स। चलो फटाफट इसको बनाता हूँ फिर। और तो फर्स्ट क्लास मेरा यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स बन के हो गया है रेडी, और साथ में एक चॉकलेट बार, अमूल बटर, टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, चाय सामग्री, ब्राउन ब्रेड। तो ये यहाँ पे आ गया मेरा कटलेट, तो मैं दिखाता हूँ इस कटलेट को। तो ये रहा मेरा कटलेट, और साथ में यहाँ पे गिने चुने फ्रेंच फ्राइज है विथ बॉइल्ड पीस। तो अब मैं जल्दी से इस कटलेट को टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे ये कटलेट, और यहाँ पे ब्रेड भी है तो ट्राई करूंगा इसको सैंडविच भी बनाने का। अब देखता हूँ ये कटलेट कैसा है, देखकर तो वैसे काफी अच्छा लग रहा है। ये देख लो अंदर का स्टफिंग, जैसा मुझे लास्ट टाइम सियालदा राजधानी में कटलेट मिला था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं वही उठाकर नहीं ना दे दिए, कमाल है। इसे ब्रेड के अंदर डालकर सैंडविच बनाकर खाने में मजा आएगा। ये फ्रेंच फ्राइज देखो, आलू का भुजिया बन गया। बाकी अब मैं सैंडविच बना के आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से मैंने अपना सैंडविच बनाया हुआ है। ये जो कटलेट था इसको मैंने डाल दिया है तोड़कर पूरा, और ऊपर में वही फ्रेंच फ्राइज एंड बॉइल्ड पीस, और यहाँ पे देखो मक्खन वगैरह लगाकर, काली मिर्च वगैरह डालकर, सॉस वगैरह डालकर तो अच्छे से कवर कर दिया है। ये रेडी हो गया मेरा सैंडविच, खाकर बताता हूँ कि कैसा बना है। मैं सैंडविच बनाऊ और खराब बन सकता है क्या, कमाल का बना है ये। फर्स्ट क्लास मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है कंप्लीट। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख लोगे तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा ही होगा। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करे हो तो फटाफट जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, क्योंकि अभी मैं दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई में कहीं भी जाऊंगा, वीडियो बाद में आएगा बट स्टोरी अपडेट मैं पहले करूंगा इंस्टाग्राम में। तो मेक श्योर कि मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।